आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो हमें क्या करना है, हमें नेचर निकालने हैं रूट्स के। तो रूट्स असल में होता क्या है, जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे उसके अंदर जो एक्स की वैल्यू हम निकालते थे ना, असल में वो जो एक्स की वैल्यू होती है उसे इक्वेशन के रूट कहते हैं। सही है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग इसी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो जो आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, जो रूट आएगी, उसका नेचर क्या है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकाल लूँ और जो आंसर आएगा ना आखिर में, उसको हम देख लेंगे वो क्या है, वो इमेजिनरी है, रियल है, तो वो इसकी जो क्या हो जाएगा, रूट का नेचर हो जाएगा। लेकिन अब मैं पूरी की पूरी वैल्यू निकालूँ, इससे अच्छी एक चीज़ हमें क्या पता होती है कि अगर मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लूँ, क्योंकि हमें रूट निकालने को नहीं बोला ना, हमें तो नेचर ऑफ रूट सिर्फ बताना है इस सवाल के अंदर। तो अगर मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व कर लूँ और ये पता चल जाए कि रूट के अंदर क्या आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन की रूट की वो बता सकता हूँ, नेचर बता सकते हैं हम सब लोग। किस तरह, फर्स्ट करें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो मतलब पहले के साथ है वो वन है, ए वन हो गया, बी माइनस टू हो गया, सी फाइव हो गया। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी और फर्स्ट करें अंदर आ गया माइनस थ्री आ गया। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू आई, माइनस आई, तो इसका मतलब क्या है, आंसर में लाजमी आयोटा आएगा। और आंसर में आयोटा आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है नेचर ऑफ रूट क्या है, इमेजिनरी है। इसी तरह अगर माइनस नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ रूट क्या है, हमारे पास रियल है। तो देखिए एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसमें ए क्या है, ए वन है, बी क्या है, माइनस टू है, सी क्या है, फाइव है। अच्छा, ये जो अंदर जो चीज़ है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में वैल्यूज़ डालते हैं, तो बी हमारे पास क्या है, माइनस टू है, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास वन है, सी हमारे पास फाइव है। नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फोर, फोर फाइव जो ट्वेंटी, फोर माइनस ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, माइनस सिक्सटीन। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आएगा तो आंसर हमारे पास नेचर ऑफ रूट क्या बनेगी, इमेजिनरी। हमारे पास क्या है, रूट क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी है हमारे पास, और अनइक्वल। अच्छा, ये अनइक्वल हमेशा होगा, जब तक रूट के अंदर ज़ीरो ना आए ना तो सारी चीज़ अनइक्वल कहलाती है, अनइक्वल। तो हमारा पहले वाले आंसर की क्या निकल गई नेचर, नेगेटिव आया, क्योंकि नेगेटिव रूट के अंदर आता है। तो वजह क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव रूट के अंदर आएगा तो इमेजिनरी होता है इसकी वजह से। या तो फिर ओवरऑल हम लोग एक तरीका क्या पता चल गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो से कम मतलब नेगेटिव रूट के अंदर, इमेजिनरी कहलाएगा। तो अब जब भी लेस देन ज़ीरो आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे इमेजिनरी कहेंगे। अच्छा, इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा, और रियल तो कहलाएगा ही। सही, पार्ट टू सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ए क्या है, ए है जो है वो टू के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे देखें दूसरी वैल्यू एक्स होती है ना, तो यहाँ पे नाइन एक्स है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस नाइन। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है, बी की वैल्यू सिर्फ वेरिएबल के साथ होती है, और सी क्या होता है, वो होता है सिर्फ कांस्टेंट, नाइन। तो मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी के बराबर होता है। तो डी अब हम लोग निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब माइनस नाइन का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है, टू है, सी क्या है हमारे पास, नाइन है। अच्छा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नाइन नाइन ज़र एट्टी वन, माइनस फोर नाइन ज़र कितना होता है हमारे पास, फोर नाइन ज़र होता है थर्टी सिक्स, और 36 टू ज़र हमारे पास होगा कितना, एक मिनट रुके मेरा कैलकुलेटर छोड़ें, 36 टू ज़र होता है 46, 56, 66, 72, सही, 81 माइनस 72 कितना होता है, हाँ 9। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इस बार क्या आया, 9 आया। 9 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये तो हमें पता है कि ये जो रूट है उसका नेचर क्या है, ये रियल है। अच्छा, याद है मैंने सबसे पहली वीडियो मेरी जो इस यूट्यूब पे थी उसमें मैंने बताया था रियल के अंदर भी क्या क्या होता है। तो रियल के अंदर 9 क्या कहलाएगा, 9 रैशनल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर मैं 9 का रूट लूँगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन मैं 10 का रूट लूँगा तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, इरेशनल कहलाएगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रियल के अंदर ये क्या है, ये रैशनल है,
रियल क्या, इमेजिनरी में तो सिर्फ इमेजिनरी बता देंगे, रियल में ये भी बताना होगा रियल में क्या है, रैशनल है, और बाकी ये ज़ीरो नहीं है तो अनइक्वल तो है ही, अनइक्वल। पार्ट थ्री करते हैं, इसके अंदर ए हमारे पास क्या है, ए थ्री के बराबर है, बी जो है माइनस 11 के बराबर है, और सी जो है हमारे पास 3 के बराबर है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारे पास माइनस 11 है, माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 3 है और सी भी हमारे पास 3 है। 11 का स्क्वायर 121 और नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 36 होगा, 121 माइनस 36 कितना होता है 85 होता है। अच्छा फिर देखें इसका नेचर क्या बना, ये पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट की, इसका मतलब है रियल तो है ये, रियल के अंदर ये क्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 85 का अगर मैं रूट लूँ तो फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर आएगा, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, और क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है तो अनइक्वल तो लिखेंगे ही, अनइक्वल। हम लोग पार्ट फाइव करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल यू दिया हुआ है, तो पहले तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू के सिर्फ हमें क्या होता है ज़ीरो चाहिए होता है, तो पहले अरेंज कर लेते हैं, यू स्क्वायर के बाद यू होता है माइनस 8u प्लस 16, सही, पहले स्क्वायर के साथ वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल, तीसरा कॉन्स्टेंट। अब हम लोग देख लेते हैं ए क्या है 1 है, बी क्या है माइनस 8 है, और सी क्या है 16 है, इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट में डाल दूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 16 है हमारे पास, सही, 8 का स्क्वायर स्क्वायर है नेगेटिव साइन हट जाएगा 64, 4 16 16 4 क्या होता है 64, आंसर क्या है ज़ीरो आया। तो अच्छा अब मैंने बताया भाई, एक चीज़ तो हमें फ़ौरन पता है कि इक्वल कहलाएगा, लेकिन इक्वल क्या होता है, ज़ीरो किस नंबर में आता है, याद है हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर किस में आता है, ज़ीरो होल नंबर में आता है, और होल नंबर रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो है ये, साथ साथ ज़ीरो क्या है रैशनल कहलाता है, रैशनल कहलाता है और इक्वल, तो ये याद रखें।